हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर सीइंग अ प्रैक्टिकल ऑफ एन जावा इंटरप्राइज. ओके, इंटरप्राइज जावा. सो इन दिस प्रैक्टिकल वी सी हाउ द रजिस्टर फॉर्म इज क्रिएटेड, जस्ट लाइक दिस हाउ रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएटेड इन HTML. ओके, देन दिस डेटा आर सेव इन अ MySQL. फॉर MySQL वी यूज एन XAMPP सर्वर, जस्ट लाइक दिस. दिस इज एन XAMPP सर्वर. ओके, इन XAMPP सर्वर वी यूज एन MySQL. सो फॉर MySQL वी यूज दिस कमांड लोकल होस्ट 8080 PHP. ओके, वी गो थ्रू दैट की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हाउ टू क्रिएट एन डेटाबेस और हाउ टू हैंडल इट. ओके, तो दिस इज एन साइज कम करना पड़ेगा थोड़ा. ओके, दिस इज एन विजिबल टू ऑल. ओके, तो नॉर्मली वी यूज एन MySQL डेटाबेस, सो वी नेम एज अ इजी प्रैक्टिकल. ओके, सो वी क्रिएट डेटाबेस हियर. सिमिलर वी क्रिएट एंड क्वेरी ऑल्सो टू इंक कि वेयर इज एन टेबल. माई स्किल इजी, आई थिंक सो. ओके, वी क्रिएट एन टेबल्स. ओके, कि रजिस्ट्रेशन टेबल. इन रजिस्ट्रेशन टेबल वी क्रिएट अ क्वेरी. सो देर इज एन अ टू यूजर्स, पासवर्ड, नेम, सिटी एंड मोबाइल, जस्ट लाइक दिस फॉर्म. वी आर इंसर्टेड. सिमिलर वी टेक एन नेम एज सुमित. ओके, पासवर्ड जस्ट लाइक जो आपको देना है, सो पासवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो. हमने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं किया, वैलिडेशन का प्रैक्टिकल हम बाद में देखने वाले. ओके, तो नेम है सुमित एंड सरनेम जस्ट लाइक कुछ भी दो. ओके, देन सिटी नेम, वी आर बिलोंग इन नवी मुंबई, सो वी गिव एज नवी मुंबई. देन नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर. ओके, वी गिव एनी मोबाइल नंबर रैंडमली. ओके, एंड क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन. आफ्टर क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन वी हैव मैसेज वन इंसर्टेड, वन रो इंसर्टेड सक्सेसफुली. आफ्टर दैट अवर डेटा इज ऑटोमेटिकली एडेड है. ओके, जस्ट वी वॉन्ट टू रिफ्रेश और री अगेन ये जो क्वेरी है इसको आपको फायर करना पड़ेगा. ओके, तो हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार. तो रिफ्रेश करने के बाद ये देखो, हमारा जो अभी हमने अपडेट किया था, सुमित जो पासवर्ड एंड जो नेम मोबाइल नंबर जस्ट लाइक जो भी फील्ड थे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस प्रैक्टिकल को हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग से देखते हैं. तो आपको इसके लिए नेटबिन लगेगा. ओके, नेटबिन के अंदर हम जो कोडिंग का पार्ट है वो सब नेटबिन के अंदर करने वाले. तो फर्स्ट नेटबिन ओपन. ओके, नेटबिन के अंदर फाइल्स, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है. आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट विज गोज टू दिस न्यू प्रोजेक्ट जो भी आपको पॉपअप आने वाला है. ओके, इन अ पॉपअप क्लिक अ जावा वेब एंड वेब एप्लीकेशन. आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका पाथ होगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं. और यहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन का नंबर देंगे या जो भी नाम आपका देना है. या तो हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन REG फॉर रजिस्ट्रेशन. क्या आपको पूरा नाम लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं, वेब एप्लीकेशन या वेब रजिस्ट्रेशन. हम इतना ही लिखते हैं, वेब रजिस्ट्रेशन. तो आपके अकॉर्डिंगली आप नाम दे सकते हो. ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. बाय डिफॉल्ट जो भी आपको वर्जन्स यहाँ पे चाहिए होगे, तो बाय डिफॉल्ट 7 वर्जन हमें चल जाएगा, तो 7 ही रखने वाले. ग्लास सर्वर यहाँ पे एक ही सर्वर है, तो ग्लास फिश सर्वर ही हम यहाँ पे यूज करेंगे. क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, एंड देन क्लिक ऑन फिनिश. आफ्टर फिनिश वी गॉट अ पेज जस्ट लाइक अ इंडेक्स डॉट HTML. ओके, यहाँ पे हमें दिखेगा इंडेक्स डॉट HTML. अभी इस पेज पे हम क्या करेंगे, जो पहला
फर्स्ट था हमारा पेज था, जस्ट लाइक कि ये वाला जो पेज था रजिस्ट्रेशन का, ये वाला रजिस्ट्रेशन का पेज था, वो हम वहाँ पे बिल्ड करने वाले के बनाने वाले। तो किस तरह से बनाएंगे, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म के लिए फॉर्म, ओके, फॉर्म के बाद फॉर्म के अंदर क्या आएगा, मेथड। मेथड को वैल्यू पास करेंगे जस्ट लाइक पोस्ट एंड एक्शन। इन एक्शन के अंदर हम क्या देते हैं, नॉर्मली एक्शन के अंदर जो भी आपका सर्वलेट का नेम होगा, बाय यूजिंग सर्वलेट हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर्वलेट का नाम जो भी होगा जैसे लाइक कि REG सर्वलेट हम नाम देते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। ठीक है, ये जो नाम है हम देंगे। देन उसके बाद नॉर्मल जो फील्ड थे जैसे लाइक कि यूजर नेम, पासवर्ड, देन नेम, सिटी, ओके, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, देन लास्ट में जो भी हमारा सबमिट बटन है, सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ओके, एंड वैल्यू क्या देंगे, जो आपको बटन के ऊपर क्या वैल्यू दिखनी चाहिए वो वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन, ओके, एंड यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। ओके, सिमिलर अभी इधर हमको इनपुट टाइप देने, तो हम इनपुट टाइप क्या देंगे, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसलिए इनपुट टाइप टेक्स्ट देने वाले, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ओके। देन टेक्स्ट के बाद जो भी हम इस फील्ड की वैल्यू जो भी पैरामीटर के अंदर स्टोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देने वाले यूजर, ओके, तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, ये जो फील्ड है जैसे कॉपी पेस्ट करेंगे और जो नेम है वो सिर्फ चेंज करेंगे, ओके। ये हमारे टाइम सेविंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो आप, आपके पास टाइम है तो आप पूरा वन बाय वन लिख सकते हो, ओके। तो फिर अभी इसके बाद करना क्या करना है, जो नेम है पैरामीटर्स उसको हमें चेंज करना है जो पास होने वाला है नेक्स्ट पेज के लिए। तो नेम, यूजर नेम, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, नेम, कि जो आपको याद रहे वही नाम लिखो, डजंट मैटर कि सेम नेम होना चाहिए, ओके, सिटी, सेम यहाँ पे मोबाइल, ओके। ये जो पैरामीटर्स है, ओके, इन द सेंस कि यूजर नेम का पैरामीटर यूजर्स कीवर्ड से पास होगा, पासवर्ड का पैरामीटर पास कीवर्ड से पास होगा, नेम का नेम से, ओके, जैसे लाइक कैपिटल स्मॉल भी इधर मैटर करता है, सो वी यूज अ वी सी विच आर कैपिटल ऑल स्मॉल के दैट ऑल थिंग्स। देन यहाँ पे हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया, इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल एस, और यहाँ से जाके भी सेव कर सक कंट्रोल एस कर दे तो भी चलेगा, ओके। देन इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है इन द सेंस कि सर्वलेट है, उसको हमें क्रिएट करना है, तो सेम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट का नाम था कि क्या था, रजिस्ट्रेशन, ओके, वेब रजिस्ट्रेशन जो हमारा अभी हमने पेज क्रिएट किया था, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें सर्वलेट क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन न्यू सर्वलेट, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने सेम नेम हमें मेंशन करना है, इफ आपको नेम याद नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, वापस जा सकते हो आपके पेज के ऊपर, ओके। देन इधर से जो टेक्स्ट होगा ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ओके। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आके न्यू सर्वलेट, ओके, इफ आपको लग रहा है कि आपसे गलती ना हो इसलिए ये भी कर सकते हो। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेम प्रोसेस, नेक्स्ट, फिनिश, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका
सर्वलेट पेज आ गया। अभी सर्वलेट पेज के अंदर आपको अभी जावा का कनेक्शन करना है, ओके, माई एस क्यू एल यहाँ पे लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो इम्पोर्टेंट पैकेज इम्पोर्ट करके लेने पड़ेंगे, जस्ट लाइक इम्पोर्ट जावा डॉट एस क्यू एल डॉट स्टार, ओके, सेमी कोलन। सिमिलर और एक इम्पोर्ट, अभी ड्राइवर्स भी लेने पड़ेंगे हमको, तो जावा डॉट एस क्यू एल ड्राइवर्स, ओके, ड्राइवर्स मैनेजर, ओके, ड्राइवर्स सिर्फ नहीं लेना है, ड्राइवर्स मैनेजर एंड सेमी कोलन, ओके। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो भी आपका क्लास फाइल होगा, इन द सेंस ये जो क्लास फाइल है, ये अनवांटेड निकाल दिया तो भी चलेगा, वैसे ही रखा तो भी चलेगा, क्योंकि वो कमेंट के अंदर है, तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट ये जो ट्राई कैच ब्लॉक है, ये हम निकालने वाले, इसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट, ओके। ये ट्राई ब्लॉक है, इसको हम रिमूव करेंगे, इसको नॉर्मली सेमी कोलन देंगे, ठीक, क्योंकि ये मेथड हमें लगने वाले हैं, लेकिन ये जो ट्राई ब्लॉके हो हम हमारे टेक्निक से यूज करने वाले, ओके। नॉर्मली इधर तक हो गया ट्राई ब्लॉक, ओके, इन द सेंस प्रिंट आउट, ओके। देन इसके बाद हम ट्राई मेथड यूज करने वाले, ट्राई कैच, ओके, एंड ट्राई के बाद कैच, ये हम जो भी कोड लिखने वाले उसके अंदर इफ कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें ट्राइंग कैच मेथड ब्लॉक यूज होने वाला है, ओके। तो एक्सेप्शन के लिए क्या लिखेंगे, आउट डॉट प्रिंट एलएन ब्रैकेट में जो भी आपका एक्सेप्शन का पैरामीटर होगा, जैसे लाइक ईएस एक्स, कोई भी ए बी सी डी ए टू जेड कुछ भी लिख सकता है, सिर्फ कीवर्ड को छोड़ के, जो आपकी प्री डिफाइंड कीवर्ड है उसको छोड़ के आप कोई भी लेटर इसके अंदर ले सकते हो, ओके। लेकिन अभी क्या करना है हमें, नॉर्मली जो भी हमने पैरामीटर्स पास किए थे, जो साइड बाय साइड लेता हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। अभी इधर साइड बाइड होने के बाद आपको प्रॉपरली आपके जो वेरिएबल्स नेम है वो दिखाई देंगे, जैसे कि ये यूजर्स है तो यूजर्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रिंग यू इक्वल टू, ओके, यू के अंदर हम वैल्यू लेंगे, जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ओके, गेट पैरामीटर के अंदर हम कौन सी वैल्यू देंगे जो हमने उसको दी, ओके, जस्ट लाइक नेम उसका क्या है, यूजर, एंड देन सेमी कोलन, ओके, ओके। स्ट्रिंग के यहाँ ध्यान रखो कि स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होगा तो आपको एरर आ सकता है, ओके। तो ये सिमिलर एक वेरिएबल्स का हो गया, तो सिमिलर आपको बाकी के वेरिएबल भी इसके अंदर करने हैं, ओके। अभी टाइम सेव करना है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ मैन्युअल करनी है, ओके। यूज़र का हो गया जस्ट सेम, पासवर्ड के लिए पी, नेम के लिए एन, सिटी के लिए सी, मोबाइल नंबर के लिए एम, ओके। तो हमारे सब वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, ओके। यहाँ पे एक ध्यान रखो कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो स्ट्रिंग नहीं होगा, वो इंटीजर होने वाला है, ओके, इन द लॉन्ग फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि उसको लॉन्ग होने वाला है। देन इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या लेंगे, लॉन्ग डॉट, ओके, लॉन्ग डॉट पल्स लॉन्ग, ओके। देन अभी इसके अंदर जो भी आपका स्ट्रिंग का डेटा आपको देना है अभी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे क्या आपने लिया है, उधर मोबाइल, ओके, तो
तो मोबाइल नेम लेंगे, सिमिलर बाकी का भी चेंज करेंगे। सी स्टैंड फॉर अ सिटी, एन स्टैंड फॉर नेम, एंड पी स्टैंड फॉर पासवर्ड। ओके, तो पी पासवर्ड। ओके, अभी देखो कि यू यूजर नेम हो गया, पी पासवर्ड, एन नेम, सी फॉर सिटी, एंड एम फॉर मोबाइल। ओके, हमने उधर से जो भी वेरिएबल्स चाहिए और सब वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए। ओके, सेम अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे कि कौन से क्लास के अंदर। ओके, कौन स्क्रीन विजिबल है थोड़ा जूम कर। ओके, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम डिफाइन करने वाले कि कौन से क्लास के अंदर आपका डेटा यूज होने वाला है, इन द सेंस कौन से ड्राइवर्स हम इसके अंदर यूज करने वाले, कि तो क्लास डॉट फॉर नेम। एक क्लास का सी कैपिटल लिखो, अदरवाइज एरर आ सकता है। क्लास डॉट फॉर नेम। ओके, फॉर नेम एक साथ ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। ओके, फॉर नेम, देन उसके बाद जो भी आपका ड्राइवर्स का नाम होगा, इन द सेंस कॉम डॉट JDBC ड्राइवर यूज कर रहे हैं, MySQL का MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ओके, जो भी आपके ड्राइवर्स आप यूज करने वाले वो नाम, देन सेमी कोलन। ओके, इधर तक समझ में आया कि आपने कौन से ड्राइवर यूज किए। देन अभी इधर क्या करेंगे, हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे फॉर कनेक्शन पर्पज। तो कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन के कनेक्शन का सी कैपिटल, कनेक्शन इसके लिए CON ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, देन जो भी आपका ड्राइवर मैनेजर होगा उसको हम कॉल करेंगे। ओके, ड्राइवर मैनेजर डॉट, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्ट्रिंग हम लेंगे, इसलिए गेट कनेक्शन, यानी यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास करनी है। ओके, कॉमा, जो भी आपका यूजर नेम होगा, जैसे कि बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट, इसको अंदर लिखना है इसके। ओके, कॉमा, जो आपका पासवर्ड होगा, देन सेमी कोलन। ओके, अभी एक जो स्ट्रिंग है वो आपको कहाँ से मिलेगी। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग है कि जो आपको कहाँ से मिलने वाली है, तो उसके लिए हम डेटाबेस का कनेक्शन देखेंगे। ओके, पहला एक कोडिंग पूरा कर देते हैं, तो आपको मैं बाद में बताता हूँ कि ए स्ट्रिंग और ए जो नेम है कि वो आपको कहाँ से मिला, कि इसको एज इट इज़ रख दो यहाँ पे, हम इसका कनेक्शन देखने वाले। ओके, देन जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रिंग SQL स्ट्रिंग SQL, और अभी इधर हम क्या देंगे, क्वेरी फायर करेंगे कि आपको कौन सी SQL की क्वेरी चाहिए। तो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हमें इधर क्या करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी करेंगे, इंसर्ट इनटू जो भी आपका रजिस्ट्रेशन टेबल होगा REG। ओके, अकॉर्डिंग टू योर टेबल्स आपको वैल्यूज यहाँ पे पास करना है, वैल्यूज देन ब्रैकेट में सेमी कोलन। ओके, अब यहाँ पे आप क्या पास करोगे, क्वेश्चन मार्क, इन द सेंस वो आइडेंटिफाई हो सकता है कि आपके कितने कॉलम्स को हम वैल्यू पास करें। ओके, तो यूजर नेम फर्स्ट, पासवर्ड सेकेंड, नेम थर्ड, सिटी फोर्थ, एंड मोबाइल नंबर फिफ्थ। ओके, तो हमें 5 क्वेश्चन मार्क इधर इंसर्ट करने हैं फॉर 5 टर्म्स। ओके, ए करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसको उसका ऑब्जेक्ट PS इज इक्वल टू, उसको जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पास करेंगे CON डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके,
उसके एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल इन द सेंस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट का नाम, इधर जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे पास करेंगे थ्रू अ कनेक्शन, एंड इधर अभी वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके पैरामीटर्स आपको पास करने, जैसे कि ps डॉट सेट स्ट्रिंग, ओके, सेट स्ट्रिंग के अंदर हम क्या पास करेंगे कि आपको कौन से नंबर के ऊपर अप्लाई करना है, ओके। तो यूजर नेम फॉर फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सिमिलर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ऐसे पांचों के पांचों जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है, ओके। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2, ओके। यूजर नेम फर्स्ट हो गया, सेकेंड पासवर्ड, थर्ड नेम, फोर्थ सिटी, एंड फिफ्थ मोबाइल नंबर, ओके। पांचों के पांचों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद, ओके, तो मतलब ए वैल्यू असाइन कर दिए हमने, तो अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने ड्रोज अप्लाई हुए, ओके। यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है डेटा, मोबाइल नंबर इन द सेंस लॉन्ग फॉर्मेट में, इसलिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे सेट लॉन्ग, ओके, अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल्स डेटा टाइप, तो वहाँ पे चेंज होने वाला है ये ps डॉट एग्जीक्यूशन अपडेट। तो कौन सा एग्जीक्यूशन हम करने वाले हैं उसके अपडेट हमें मिलने वाला है, ओके। देन सेमी कोलन आफ्टर एग्जीक्यूशन अपडेट, तो हम क्या करेंगे उस हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइन हैज बीन इंसर्ट सक्सेसफुली। तो प्रिंट ln सेमी कोलन, ओके। अभी इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जो आपको मैसेज पास करना है द नंबर ऑफ रो, कि कितना रो इंसर्ट हुआ सक्सेसफुली, तो रो के अंदर वो डेटा है तो फर्स्ट उसको ही डिस्प्ले करेंगे, रो प्लस रो इज, ओके। यहाँ पे रो दो टाइम्स आ गया आपको लग रहा है, लेकिन फर्स्ट रो गिव्स अ नंबर, ओके। सो मैसेज आपको ऐसा आएगा कि वन रो इंसर्ट है सक्सेसफुली, ओके, सक्सेसफुली। आपके अकॉर्डिंगली आपको जो भी मैसेज देना है वो आप दे सकते हो, ओके। सेव किया, ओके, सेव। इतना समझ में आया कि क्या किया, अभी हमें क्या करना है कनेक्शन, ओके। कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी जैम कंट्रोलर है, ओके, आपको लिंक शेयर की है जैम कंट्रोलर की, इसके अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैम सेंटर, एंड जो भी आपका माई एस क्यू एल कनेक्टर है उसकी लिंक भी सेम इसके अंदर दी है, ओके। तो अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, ब्राउज़र के ऊपर नॉर्मली आपको सर्च करना है लोकल होस्ट 8082, ओके। ए किसके अकॉर्डिंगली किया, ए जो देखो ये आपका पोर्ट नंबर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको लोकल होस्ट, जिन आपका जो पोर्ट नंबर है 8082, आपके इधर 80 भी हो सकता है, 8080 भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पे सर्च करना है, ओके। उसके अकॉर्डिंगली देन आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक डेटाबेस लेंगे जस्ट लाइक कि न्यू, ओके, न्यू डेटाबेस नेम जस्ट लाइक कि REG लेते, सिर्फ REGDB रजिस्ट्रेशन डेटाबेस, ओके। देन उसको क्रिएट करेंगे, ओके, सक्सेसफुली क्रिएटेड। देन इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो टेबल का नाम क्या होगा हमारे नॉर्मली जो हमने दिया है, और देखते हैं कि कोड के अंदर हमने क्या डेटाबेस का नाम दिया है। तो कोड के अंदर हमने REG दिया है नॉर्मली, तो हम यहाँ पे REG लेंगे सिर्फ, ओके। तो स्मॉल में था सब, तो REG, ओके। देन उसके अंदर हमें कितने कॉलम चाहिए, पांच, ओके। फर्स्ट इज द यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, सिटी एंड मोबाइल नंबर, पांच चाहिए तो पांच, क्लिक ऑन गो, ओके।
गो ये देखो आपके राइट हैंड साइड के इधर आपको मिल जाएगा गो, क्लिक ऑन गो, देन वी क्रिएट अ टेबल। तो जो भी आपके जो नया नाम होंगे के पहले से मैंने क्रिएट किया था, तो मुझे वो पॉपअप आ रहे हैं ब्राउज़र के ऊपर। आपको आपने किया होगा तो आपको आ सकता है कि इधर हमें डेटा टाइप चेंज करना है वैकर के फॉर अ स्ट्रिंग, एंड मोबाइल नंबर के लिए इंटीजर होगा तो भी चलेगा, और उधर आप शायद अबाउट 10 कोई भी साइज इसको दे सकते हो। ओके, ये होने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली क्लिक ऑन गो। इफ आपको कोई ऐड और करना होगा तो गो पे क्लिक करो, अदरवाइज नीचे जाके इसको सेव करो। ओके, सेव, अपना सेव, ये देखो आपका एक नया टेबल क्रिएट हो गया। टेबल के डिफरेंट टाइप्स वगैरह आपको मिलेंगे, डेटा टाइप्स वगैरह। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो डेटा टाइप है हमारे डेटा टाइप इन द सेंस JDBC के साथ कनेक्ट करेंगे, तो JDBC के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या लगेगा, विंडोज़, विंडोज़ के अंदर जाएंगे। विंडोज़ के अंदर जाने के बाद सर्विसेज, ओके, ये देखो ये सर्विसेज का पॉपअप आ गया, इसको थोड़ा जूम करते। ओके, देन सर्विसेज के अंदर जाने के बाद डेटाबेस, ओके, इधर प्लस के ऊपर क्लिक करो, थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने के लिए। ओके, अभी इधर देखो आपको जो नया कनेक्शन है, नया डेटाबेस है, आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आपको राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू कनेक्शन। ओके, न्यू कनेक्शन के बाद आपको यहाँ पे और एक पॉपअप आने वाला है, तो वो पॉपअप देखते कि क्या है। ओके, जस्ट लाइक दिस आपको एक पॉपअप आने वाला है, क्लिक ऑन जो भी JDBC या MySQL के, MySQL तो हम कनेक्ट करने वाले। ओके, ये जो जार फाइल है, तो ये आपको जार फाइल कहाँ से मिलेगी, ओके, जो भी हमने डाउनलोड किया था लास्ट टाइम जार फाइल, वहाँ से हम डाउनलोड करें ओपन उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जस्ट लाइक हमने इसको CF के जगह पे भी सेव किया था, C के अंदर भी सेव किया था, दोनों जगह पे सेव किया था। आपके अकॉर्डिंगली आपने वो फाइल कहाँ पे स्टोर किए, जस्ट लाइक C के अंदर ओपन करते C, ओके, MySQL कनेक्टर। ओके, इसकी भी जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन ने दी है, आपको सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो जार फाइल है डॉट जार एक्सटेंशन, इसको आपको ओपन करना है। ओके, ऑलरेडी एडेड है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इफ ऐड नहीं होगी इन द सेंस रिमूव करेंगे, इफ अभी आपको एडिट का मैसेज नहीं आएगा, अभी वो ऐड हो गई। ओके, ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है तो पासवर्ड दे सकते हो, डेटाबेस का जो भी नाम है वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारे, जस्ट लाइक ये देखो, तो REGDB जो आपका डेटाबेस का नाम है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, REGDB रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। ओके, अकॉर्डिंग जो आपको डेटाबेस ये जो फाइल है वो क्रिएट होने वाली है। ओके, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो जो लास्ट वाला एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आपको रिमूव करो, जो आपका URL के अंदर सिर्फ JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 एंड जो भी आपका डेटाबेस का नाम है वही होना चाहिए। ओके, देन टेक्स्ट कनेक्शन। ओके, देखो कनेक्शन सक्सीड इन द सेंस आपका कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये जो रूट बाय डिफॉल्ट स्कीम है इसको भी रिमूव किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल पार्ट है, इसको कॉपी करके ले रहो कि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है जो आपको इंसर्ट करना है। ओके, क्लिक ऑन फिनिश। ओके, आफ्टर दैट जो हमने अभी कॉपी किया था वो वाला कनेक्शन हमें वो फर्स्ट पैरामीटर के अंदर इंसर्ट करेंगे, देन सेकेंड पैरामीटर के अंदर जो भी आपका रूट नेम एज इट इज़ योर यूज़र नेम फॉर डेटाबेस, एंड थर्ड के अंदर ब्लैंक, क्योंकि हमने उसके लिए कोई भी पासवर्ड असाइन नहीं किया। इफ आपको पासवर्ड असाइन करना है सिक्योरिटी पर्पज तो आप असाइन कर सकते हो। ओके, अभी इसको हम सेव करेंगे। ओके, सेव करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो एग्जीक्यूट। ओके, वेब सर्विसेज हैज बिन एग्जीक्यूटेड और रनिंग आपको नीचे दिखाई देगा। ओके, हमने इसके अंदर जो भी ब्रेक स्टेटमेंट है वो इंसर्ट नहीं किया, इसलिए वो सिंगल लाइन में दिखाई, डजंट मैटर। हमें अपना जो भी टास्क है रजिस्ट्रेशन का वो परफॉर्म करना है सिर्फ नॉर्मली।
तो यहाँ पे भी हम नॉर्मली नाम लेते हैं एक पर्सन का, ओके, अकॉर्डिंग टू पासवर्ड, ओके, क्योंकि पासवर्ड के लिए हमने टाइप टेक्स्ट ही लिया है इसलिए वो हमें दिखाई दे रहा है। इफ हमने टेक्स्ट टाइप एज अ पासवर्ड लिया होता तो वो दिखाई नहीं देता। देन नेम यहाँ पे सेम, देन सिटी, तो सिटी हम चेंज कर देते हैं वाशी। देन मोबाइल नंबर आपके अकॉर्डिंगली आप कुछ भी डाल सकते हो। देन क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, ओके, एरर आ गया हमारे से, क्लास नॉट फाउंड अ JDBC ड्राइवर। ओके, ये जो एरर है नॉर्मली एक हमारा स्मॉल मिस्टेक हुआ है उसकी वजह से आया है, कि जो आपका ड्राइवर का नेम है, ओके, और जो भी हमने क्लास आइडेंटिफाई डिफाइन किया था यहाँ पे कि क्लास फॉर क्लास, ओके, क्लास फॉर नेम कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ओके, तो ड्राइवर का डी हमारा स्मॉल हो गया कि उसकी वजह से हमें ये एरर आया है। तो इसको हम चेंज करेंगे, सेव करेंगे, वापिस रन करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ओवर ऑफ डिज़ाइन कोड वी गो टू आवर नेम, जस्ट लाइक नेम जो आपको देना है, देन पासवर्ड जो आपको डालना है, देन फुल नेम गिव एज यूज़र नेम प्लस फुल नेम इज कोमल पाटिल, देन सिटी जो आपकी है वाशी। यहाँ पे आपको रैंडमली कोई भी आपका मोबाइल नंबर लिख दो, तो इधर मैंने एग्जांपल के लिए ऐसा डाला है। क्लिक ऑन रजिस्टर, आफ्टर रजिस्टर वी गॉट अ मैसेज, वन रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो आप इसका वैल्यू देखते हैं कि क्या है, ओके, जो आपका डेटाबेस है उसके अंदर जाने का, SQL सर्वर के, SQL के अंदर जो भी आपकी क्वेरी हो गया वो नॉर्मली टाइप कर सकते हो, और जो आपका टेबल है उसके अंदर भी डायरेक्टली देख सकते हो। ओके, तो ये आपका टेबल है REG, टेबल के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो आपकी जो भी वैल्यू है ऐड हो गई। ओके, बाय डिफॉल्ट गलती से दो बार दब गया होगा बटन, सो इधर उधर टू टाइम्स अपग्रेड हुआ। ओके, नॉर्मल, तो समझ में आया कि आपको किस तरह से करना है। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, ठीक है।